हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली। और आज हम लोग जा रहे हैं दिवाली की शॉपिंग करने। कौन सी मार्केट से हम दिवाली की शॉपिंग करने वाले हैं और क्या क्या ख़रीदने वाले हैं वो सब जानने के लिए आप लोग ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं, आइए आपको थोड़ा सा मार्केट का व्यू दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये है लखनऊ की फेमस अमीनाबाद मार्केट। वैसे तो यहाँ पे हमेशा ही भीड़ रहती है, बट आज दिवाली की वजह से कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो रही है। ये मार्केट लखनऊ की सबसे पुरानी मार्केट है और यहाँ पे आपको ए टू जेड हर एक आइटम मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमेशा भीड़ बनी रहती है। तो आइए देखते हैं इस बार दिवाली में यहाँ पर क्या क्या खास है। कलरफुल लाइट्स यहाँ पर बहुत ही सुंदर लग रही हैं और इनका प्राइस भी 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। इस टाइप की और भी बहुत सारी दुकानें यहाँ पे लगी हुई हैं। मंदिर का सामान, रंगोली के डिज़ाइन और फूलों की माला यहाँ पे बहुत ही सुंदर मिल रहे हैं और इनका प्राइस 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग है और 100 रुपीज़ के अंदर ये सब आपको मिल जाएंगे। ये देखिए रंगोली के कितनी सुंदर डिज़ाइन बनी हुई हैं और इनका प्राइस भी ओनली 50 रुपीज़ है। कैंडल्स भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, आप इन्हें मिक्स करके भी ले सकते हो। और बच्चों के लिए दिवाली के खिलौने भी मिल जाएंगे। इस टाइप की दुकानें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लगी हुई हैं, जहाँ पे आपको फूलों की माला, लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति, दिए, रंगोली के डिज़ाइन और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। माला की भी यहाँ पे काफ़ी दुकानें लगी हुई हैं और इनका प्राइस 100 to 150 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। बतासे और प्रसाद की भी आपको यहाँ पे बहुत सी दुकानें दिख जाएंगी। रंगोली के भी सब कलर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और 20-30 रुपये में आप इन्हें आसानी से ले सकते हो। दिवाली के सामान के अलावा यहाँ पे मेन मार्केट में भी काफ़ी रौनक है। इयररिंग्स की भी यहाँ पे मुझे एक शॉप दिखी, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, आप लोग देख सकते हो, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे पूरी मार्केट नहीं दिखा पा रही हूँ। इस टाइप की कैंडल्स की यहाँ पे बहुत सी दुकानें लगी हुई हैं, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने थोड़ा बहुत सामान ले लिया है और हम लोग अभी घर को जा रहे हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, इस वजह से सामान लेने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो हमने जो कुछ भी सामान लिया है वो सब मैं आपको घर जाके दिखाने वाली हूँ। तो चलिए सीधे मिलते हैं घर पे। सबसे पहले हमने लिया है गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति, ये देखिए गणेश जी और ये लक्ष्मी जी की मूर्ति, और ये उनके लिए माला और उनके लिए कपड़े लिए हैं। इसके बाद मैंने लिया है ये रंगोली के कलर, रेड, ग्रीन, पिंक
और येलो कलर, ये चार कलर मैंने रंगोली बनाने के लिए लिए हैं। और ये लक्ष्मी जी के पैर, और कैंडल्स लिए हैं, यहाँ पे मल्टी कलर में लिए हैं, कुछ रेड येलो ग्रीन और वाइट कलर में हैं। और ये रंगोली बनाने के लिए छन्नी ली है, एक बड़ी छन्नी है और एक छोटी छन्नी है। यहाँ पे एक बड़ा वाला दिया लिया है और बाकी के छोटे से दिए लिए हैं। दिए मैंने नवरात्रि में भी लिए थे, इसलिए भी मैंने यहाँ पे थोड़े कम ही दिए लिए हैं। और ये माला ली है, उसके बाद यहाँ पे लिया है मैंने मंदिर में लगाने के लिए एक लाइट की माला, ये देखिए। और प्रसाद के लिए यहाँ पे बतासे वगैरह लिए हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप कि आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और एक बार आप सभी को फिर से विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली।